का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। उद्धव का भाजपा पर फिर से प्रहार, शिवसेना ही बनेगा सीएम। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के बीच शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक दिन शिवसैनिक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा। उनके बेटे सक्रिय राजनीति से रिटायर हो गया हूँ। ठाकरे ने विश्वास व्यक्त किया कि शिवसेना कार्यकर्ता एक दिन राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। कहा कि 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने गठजोड़ न करने के मामले में अब बात करने का कोई मतलब नहीं है। इस बार महाराष्ट्र में कुल 288 सीटों पर हम भाजपा से गठजोड़ कर 124 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी कुछ सीटें गठबंधन के अन्य दलों को दी जाएंगी। बाला साहेब ठाकरे से वादा किया कि एक दिन शिवसैनिक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा। उद्धव ने कहा कि मैंने गठजोड़ के लिए जोड़ तोड़ नहीं की। बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल और देवेंद्र बोल रहे थे कि हमारी मुसीबत समझिए, मैंने समझी भी। अब समान फार्मूले पर सरकार बनाई जाएगी, जल्दी लोगों को यह समझ भी आएगा। उन्होंने कहा कि मैंने तय किया कि शिवसेना को क्या करना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। साथ ही इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इच्छा व्यक्त करने में क्या है बुराई। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे खबरें लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS News के साथ। धन्यवाद।